कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि क्या खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन है? खुदावंद सब कुछ कर सकता है। He can take nobody and make somebody। वो किसी शख्स को भी लेकर उसको कुछ बना देता है, वो उसकी कमजोरियों को लेता है और ताकतवर बना देता है। कभी किसी शख्स ने ये तसव्वुर नहीं किया होगा कि कोई शख्स शेर के सामने खड़ा हो जाए, लेकिन खुदावंद ने ऐसे सूरमा पैदा किए जो शेरों के सामने, रीछ के सामने उनके जबड़े को खोलकर अपनी बकरी का बच्चा निकाल लेते। खुदावंद उन्हें जोर देता था, ये उनकी ताकत नहीं थी कि वो बड़े सूरमा थे, ताकतवर थे, ये खुदा की कुव्वत होती थी, पाकरू की कुव्वत होती थी जो उन्हें हिम्मत और ताकत देती थी। सो आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू टूडे कि खुदावंद ने आप सबको चुना है। हम सब अगर अपने अभाव अजदाद पर गौर करें तो हम कहां से निकले? हम ज्यूइश नेशन से नहीं है, लेकिन हम कहां से निकले? कहां से खुदावंद ने हमें चुना? हमारी कोई हैसियत ना थी, लेकिन खुदावंद ने हमें अपने लिए तैयार कर लिया। हम पर उसका फजल हुआ ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सके। मैं गौर कर रहा था कि जब हम किसी शख्स के बारे में सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम मॉडर्न दौर में अगर सोचें, कोई शख्स किसी के बारे में अपने बेटे या बेटी के बारे में रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, अगर हाथ में नहीं पर उनके जहन में जरूर होती है कि हम इन चीजों को मद्देनजर रखेंगे, कौन सी चीजें हैं जो हमने लड़के या लड़की में देखनी है। और बहुत बड़ी बात जो आजकल के दौर में देखी जाती है, लड़का अगर अपने लिए लड़की को पसंद करता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि लड़की का रंग फेयर हो, खूबसूरत हो, उसकी शक्ल किसी एक्ट्रेस से मिलती हो, और ताकि मैं बता सकूं या वो फ्ला एक्टर है उससे उसके साथ उसकी शक्ल मिलती है। सो ये ह्यूमन सेलेक्शन है जो हम सेलेक्ट करते हैं, और ह्यूमन सेलेक्शन में शक्ल को पहला दर्जा दिया जाता है। उसके बाद फैमिली आती है, फैमिली को भी दर्जा दिया जाता है, इसका खानदान कैसा है, कौन सा ब्लड इसके साथ ये कनेक्टेड है। फिर उसकी एजुकेशन देखी जाती है, इसका एजुकेशन लेवल क्या है, क्या मेंटल लेवल हमारा मैच कर सकता है इसके साथ, किस तरीके से ये ह्यूमन कंपस है जिससे हम चीजों को नापते हैं और चीजों को सेलेक्ट करते हैं। आप देख लीजिए कि जो अमीर लोग हैं उनके बहुत दोस्त होंगे, उनके घर में हमेशा पार्टी लगी रहती है, और गरीब लोगों के घर में कोई नहीं जाता, यार उधर तो खानों ही नहीं लगना, वहां से क्या मिलना है, उधर चलते हैं। लेकिन खुदावंद की सिलेक्शन ह्यूमन सिलेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। जब खुदावंद चुनता है तो चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं, जब खुदावंद बुलाता है तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, वो ह्यूमन सिलेक्शन की चीजों को बिल्कुल नहीं देखता। और कलाम मुकद्दस में से आज हम यही देखेंगे, हाउ ही कैन टेक नोबडी, वो किस तरह से एक आम शख्स को लेता है और उसको खास बना देता है, कैसे एक आम शख्स, एक आम एजुकेशन वाले शख्स को लेकर जो शायद पढ़ लिख भी नहीं सकता, किस तरह से वो मिरेकल परफॉर्म करता है। और यही काम खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया पर आकर दिखाया। हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने शागिर्दों को सिलेक्ट किया, अगर हम शुरू से देखें तो किस खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से, तो वी सी के खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त उसने मरियम को चुना जिसकी कोई हैसियत ना थी, वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, उसका कोई बैकग्राउंड वहां पर बयान नहीं किया गया। लेकिन अगर आप मुकद्दसा मरियम की जिंदगी के मुतल्लिक पढ़ें तो आपको लगेगा कि अगरचे वो दाऊद के घराने से थी लेकिन एक गुमनाम जिंदगी बसर कर रही थी, लेकिन वो खुदावन में मसरूर थी, उसकी जड़ें खुदावन में थी और वो खुदावन में जोरावर थी, मुकद्दसीन मुकद्दस औरत थी। और हम देखते हैं किस तौर से खुदावन ने एक आम औरत को लिया ताकि उसे खास बना दे, एक आम औरत जिसका ना किसी ऐसे घराने से ताल्लुक, ना उसके पास कोई मजहबी रिलीजियस एजुकेशन, और उसको लिया
और खुदा ने उसको खास बना दिया। और खास क्या बनाया, लिखा है अब, लिखा है अब से लेकर आने वाली तमाम नस्लें तुझके तुझे तुझे क्या कहेंगी, मुबारक कहेंगी। कैसी बात है, एक आम शख्स को लिया और खास बना दिया। और इसी तौर से खुदावंद ने मुझे और आपको लिया है, चुना है। यह हमारा कमाल नहीं है कि हम खुदा के घर में बैठे हैं, ये पापरू का कमाल है जिसने आपकी जिंदगियों में काम किया है। और आप ब्लेस्ड लोग हैं जो खुदा के घर में बैठे हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं और जो यीशु को जानते हैं। यू आर ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि खुदा ने आपको चुन लिया है ताकि आपको खास बनाए, मुकद्दसीन में शामिल करे। और हम देखते हैं जैसे ही उसने मरियम को चुना, खास बनाया, और फिर इसके साथ साथ हम ह्यूमन सिलेक्शन को देखें, हमने ह्यूमन सिलेक्शन को देखा। लेकिन मॉडर्न दौर में किस शख्स को किसी पोजीशन के लिए सेलेक्ट करना हो तो उसकी अचीवमेंट्स देखी जाती है कि ये शख्स, इसने ये काम किया है, इसलिए इसे ये ओहदा ऑफर किया जाए। लेकिन खुदा ऐसे ओहदों को ऑफर नहीं करता, उसका ऑफर करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मेरे साथ एक हवाला देखिए, पहला करंथियों उसका पहला बाब, उसकी चंद आयात हम देखें। ए भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तू निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ को नहीं बुलाए गए, बल्कि क्या लिखा है पढ़िए आगे, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरों औरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र न कर ले, लेकिन तुम उसकी तरफ से मसीह यीशु में हो। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था अपनी जिंदगी के लिए, आई वॉज जस्ट giving praise to him, I was just praising and adoring him, कि किस तौर से खुदावंद ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना। और मैं जब अपने आप को इस स्ट्रक्चर में फिट कर रहा था कि खुदावंद किस तौर पर तेरा कलाम हमें बताता है कि अपने बुलाए जाने पर तू निगाह करो, किस तौर पर तुम बुलाए गए हो, किस तरह से खुदावंद मॉडर्न दौर में किस तरह से सिलेक्शन होती है, लेकिन खुदावंद किस तरह से सिलेक्ट करता है अपनी खिदमत के लिए। और मैं जब इसको इंग्लिश में एम्प्लीफाइड बाइबल में देख रहा था तो यहां पर बड़ा प्यारे वर्ड्स दिए गए हैं और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, फॉर सिंपली कंसिडर योर ओन कॉल, कंसिडर योर ओन कॉल। लिखा है, ब्रदर, नॉट मैनी ऑफ यू आर कंसिडर्ड टू बी wise according to human estimate. क्या लिखा है, human estimate, जब एक इंसान जिस तरीके से एस्टिमेट लगाता है, human standard, human estimate क्या था, जब कलामे मुकद्दस में लिखा है यीशु ने शागिर्दों से कहा कि इन लोगों को खाना खिलाओ, तो वहां पर लिखा है फिलिपस ने कहा कि 200 दिनार की रोटियां भी इनके लिए कम होंगी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। यह ह्यूमन एस्टिमेट था, ह्यूमन एस्टिमेट के मुताबिक हम देखते हैं कि वो एलिजिबल नहीं थे कि वो उस कौम को खाना खिला सकते। लेकिन कलामे मुकद्दस में क्या लिखा है, ना तो वो खुदा का स्टैंडर्ड था ना एस्टिमेट था, खुदा ने उस स्टैंडर्ड को पूरा कर दिया। जो हमारा दिमाग नहीं कर सकता वो खुदा कर सकता है। फिर लिखा है, फॉर गॉड सेलेक्टेड डिलिबरेटली, खुदा ने जानबूझकर, ऐसा नहीं कि अचानक खुदावंत से हो गया, खुदावंत से गलती हो गई, नहीं, कलामे मुकद्दस में लिखा है, बड़ी प्यारी ट्रांसलेशन है, गॉड डिलिबरेटली, जानबूझकर खुदावंत ने ऐसा किया, ऐसा होने दिया। खुदा की, अगर आप ये खुदा में यीशु मसीह की जेनियालॉजी में देखे तो वहां पर रहब फहाशा का भी जिक्र हमें मिलता है, ताकि लोग फख्र ना कर सके, ताकि पता लग सके कि खुदा में यीशु मसीह पैदा हुए वो सिर्फ एक खास फिरके के लिए नहीं, बनी नो इंसान के लिए, गुनेगारों के लिए वो इस दुनिया में आए,
सो खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। मैं जब इस पर गौर कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि किस तरह से हमें अपनी कॉलिंग पर गौर करना है, कि खुदा ने हमें किस तरह से सेलेक्ट किया है। और पॉल को जब इस पूरे चैप्टर को देख रहा था, अगर हम करंथियों के इस बुक को कंसिडर करें तो हमें पता लगता है कि करंथस की कलीसिया में बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, और हमेशा लड़ाई झगड़े परेशानियों और इस तरह की मुश्किल में ये घिरे रहते। नई नई कलीसिया थी, लेकिन पॉल उनको क्या बताने की कोशिश करता है। द फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा है, एकेडेमिकली वो इलीट क्लास में नहीं। तीन लफ्जों का यहां पर जिक्र है। पहली बात वो कहता है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि बहुत से हकीम, नॉट वेरी वाइज पीपल, इलीट क्लास, बड़ी हिकमत वाले, बड़े जिनके अंदर बहुत दुनिया का इल्म हो, खुदावंद ने उन्हें नहीं चुना। जो इल्म से भरे हुए हैं खुदावंद ने उन्हें नहीं चुना, क्योंकि बाइबल ये बताती है, क्या लिखा है कि बहुत से हकीम और बहुत से इख्तियार वाले। सो हकीम वाइज लोग नहीं, खुदावंद ने जो वर्ल्डली स्टैंडर्ड पर लोग हैं उनको नहीं चुना, जो वर्ल्डली एजुकेशन को पूरा करते हैं उनको नहीं चुना। देयर आर सो मेनी पीपल जिनके पास बहुत सारी पीएचडीज हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन आप खुदावंद के हजूर वो दुआ नहीं कर सकते, खुदावंद के हजूर वो एक लफ्ज अदा नहीं कर सकते। लेकिन खुदावंद ने मच्छेरों को चुना ताकि वो खुदा के नाम को जला दे सके। और लिखा है जब शागिर्दों को, जब फकीयों और फरीसियों ने शागिर्दों को देखा तो उन्होंने कहा ये यीशु के साथ रहे हैं। जब उनकी हिकमत को देखा तो उनकी डिग्रीज को नहीं देखा, क्या कहा कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जो लोग यीशु के साथ रहते हैं वो एजुकेशन के मोहताज नहीं है, क्योंकि पाखरू उन्हें हर रोज बताता रहता है। और जो लोग यीशु के बगैर हैं, एजुकेशन पाकर भी वो कलाम को सुना नहीं सकते, ना एक रूह को जीत सकते हैं। लेकिन जो लोग यीशु में हैं, आई एम नॉट टॉकिंग के जो वाइस हैं उनके बारे में ये नहीं लिखा कि खुदावंद उन्हें नहीं चुनता, इनमें लिखा है बहुत से, वो लोग जो बहुत से हैं उनमें से खुदावंद ने हकीम लोगों को नहीं चुना, जो वाइस हैं उनको नहीं चुना। आप देखिए कलामे मुकद्दस में हम पढ़ते हैं सबसे पहला मैसेज खुदावंद यीशु मसीह का पैदा होने का किनको मिला, किसको याद है? गडरियों, आम लोगों को यह मैसेज पहुंचा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक। तो खुदावंद के हजूर खुदावंद का मैसेज लेने के लिए, खुदावंद के चुनाव के लिए हमें किसी टीप टॉप की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दुआ करने की जरूरत है, हमें सिर्फ सादगी की जरूरत है। कलामे मुकद्दस में लिखा है वाइस लोगों के उसने नहीं चुना, बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग थे, लेकिन पॉल उनको बताता है। फिर जो दूसरी बात इसमें कहता है माइटी मैन, माइटी का जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया कि बहुत इख्तियार वाले, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को जाहिर करता है, कि ऐसा भी नहीं कि उसने किसी पॉलिटिकल लोगों को चुना है। तीसरी बात हम देखते हैं, लिखा है करंथियंस वर नॉट फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, नोबल फैमिली। पहली बात हमने देखी वॉइस, दूसरी बात कौन सी है, माइटी इख्तियार वाले, कोई सियासतदान नहीं, कोई इख्तियार वाले नहीं। यह नहीं है कि सियासतदान आ नहीं सकते, लेकिन खुदावंद का चुनाव यह नहीं है कि सिर्फ वो सियासतदानों को चुने या इख्तियार वालों को। बहुत सारे सियासतदान हैं जो खुदावंद की खिदमत को करते हैं, बट आई एम सेइंग नॉट मैनी उनमें से। और फिर तीसरी बात क्या है, नोबल, नोबल का मैं इसके बारे में पढ़ रहा था कि नोबल को किस तरह से बयान किया जा सकता है। तो बड़ी अच्छी मुझे ट्रांसलेशन मिली जो मैं, आप इसको देख सकते हैं, अच्छी नस्ल, जिनकी अच्छी परवरिश हुई हो, तरबियत उन्होंने हासिल की हो, किसी ऐसे तबके से उनका ताल्लुक हो जो बहुत ऊंचा है,
For example, royal lineage. आप देखिए दुनिया में कितने बेबीज पैदा होते हैं, लेकिन अगर विलियम जो प्रिंस है उसका बेबी जब पैदा होने वाला था, पूरी दुनिया के कैमरे उनके दरवाजे पर खड़े थे। खुदावंद ने ऐसे लोगों को भी नहीं चुना, खुदावंद ने ऐसे लोगों को भी नहीं चुना जो वाइस हैं, जो माइटी हैं और जो नोबल फैमिली से हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो क्लेम करते हैं, ओ हमारा बाज दफा हमारे अंदर गुरूर पैदा करती हैं ये चीजें। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर फैमिलीज, ओ हम ये हैं, ये हैं, ये हैं। और कलाम आज हमें ये बताता है कि खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया, खुदा ने ऐसा क्यों नहीं किया कि बहुत जो इलीट क्लास है, माइटी मैन या नोबल फैमिली से लोग खुदावन के पास आए, ताकि वो गुरूर ना कर सके, ताकि वो गुरूर ना कर सके। हां मेरे पास तो एजुकेशन थी, मैंने तो बड़ा अच्छा कर सकता हूं, बट ही प्रेफर लूजर्स। उसने किन लोगों को प्रेफर किया? जो निकम्मे थे, जो शायद अपनी आम जिंदगी में नाकाम थे। उसने मरियम मैग्दलीनी को सबसे पहले दिखाई देकर कहा, जाओ उनको बताओ। मरियम मैग्दलीनी जिसकी उस वक्त कोई वैल्यू नहीं थी। लूजर्स। खुदावंद ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो आम लोगों की निगाह में हैसियत नहीं रखते थे। आज भी लोग जिनके पास दौलत है उनको ज्यादा वैल्यू देते हैं, जो एजुकेशन में ज्यादा अच्छे हैं उनके बारे में ज्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन खुदावंद का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। बहन ने बड़ी अच्छी खूबसूरत गवाही दी कि मुझे अंग्रेजी भी नहीं आती, और इस मुल्क में अगर आपको सही तौर पर इंग्लिश ना आती हो तो एक अच्छी जॉब लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन खुदावंद इसी तरह से अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि खुदावंद का चुनाव कैसा है। लिखा है बेवकूफों को चुन लिया ताकि क्या करें, हकीमों को शर्मिंदा करें। वो जो अपने आप को सोचते हैं हम बड़े ताकतवर हैं, खुदावंद के लोग जो बेवकूफ हैं उन्हें शर्मिंदा करने पर कुदरत रखते हैं। आमीन। आपको अगर कोई शख्स ये सोचता है कि आप बेवकूफी कर रहे हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, दोस्तों आप वक्त आने पर ये बात उनको अपनी जिंदगी से जाहिर करेंगे कि खुदा ने आपको कितनी बरकत दी है। फिजिकली वीक हैं, फॉरगेट अबाउट, खुदा ने हैंडीकैप्स को, लंगड़ों को, अंधों को इस्तेमाल किया है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी खुदा के नाम की मुनादी कर रहे हैं। और फिर आगे चल के वो क्या कहता है, खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया। किनको लिखा है? कमजोरों को। कमजोर जो लफ्ज है, ये जो वर्ड यूज किया गया है, और बहुत वीक लोग जिनको कुछ नहीं आता, बेस बिल्कुल ये फिजिकल में भी आ जाता है, लेकिन नातमा लोग जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई कास्ट नहीं है, खुदावंद ने वहां से लोगों को चुन लिया ताकि वो क्या करें, जोरावरों को शर्मिंदा करें। फिर खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को क्या किया, और बेवजूदों को चुन लिया ताकि मौजूदों को नेस्ट करें। वर्ड बेस, ऑपोजिट ऑफ, यहां पर जो कमीनों और हकीरों के लिए वर्ड यूज किया गया है वह है बेस, बिल्कुल आम लोग जिनको कोई उनको बुलाना पसंद नहीं करता, खुदावंद ने वहां से लोगों को चुन लिया। अगर आप बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 15 मेरे लिए पढ़ते, मेरा घराना मनस्सी में सबसे लो पोजीशन पर है, हम तो हकीर लोग हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है मुआशरे में, मैं कैसे फौज में जाकर उनको बचा सकता हूं। लेकिन आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा का स्टैंडर्ड फर्क है। मूसा के पास जब खुदावंद गए तो मूसा ने कहा, मैं बोल नहीं सकता, कैसे मैं फिरौन के पास जाऊं, मेरी जुबान में लुकनत है, मैं अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकता। और खुदावंद ने कहा, मुंह किसने बनाया,
मैंने बनाया और मैं ही तुझे इख्तियार दूंगा। और खुदावन ने कहा तेरे हाथ में क्या है, और उसने अपने हाथ में उस छड़ी को दिखाया। अब वो जो छड़ी थी, छड़ी जाहिर करती है कि उसके पास कुछ नहीं था, एक सूखी हुई रॉड। उसने बताया मेरी जिंदगी इस रॉड की मानद है, इस रॉड में कोई हरियाली नहीं है, वो इस रॉड की मानद है, ये है मेरे पास। खुदावन ने कहा संभाले रख, तू इसी रॉड से बहराए कुलजम के दो हिस्से करेगा। खुदावन आम चीजों को लेता है और खास बनाता है, आपकी आम चीज को लेकर आपकी जिंदगी में ऐसे मौत से करेगा कि आप बहराए कुलजम के भी दो हिस्से करने के काबिल हो जाएंगे। रॉड क्या थी, लेकिन खुदावन ने उसी को इस्तेमाल किया और बहुत बड़े बड़े मौजज़े किए। इसलिए ये याद रखें कि खुदावन ने ऐसे लोगों को चुना है जिनको लोग नापसंद करते हैं, खुदावन ने ऐसे लोगों को चुना है जिनको लोग इग्नोर करते हैं, खुदावन ने ऐसे लोगों को चुना है जिनको लोग बुलाना नहीं पसंद करते, लेकिन अपनी बादशाहत के लिए खुदावन ने ऐसे लोगों को ही चुना है। खुदावन का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप डेविड को याद करें फर्स्ट क्रॉनिकल में, तो डेविड जब हैकल बनाता है तो वो कहता है मैं और मेरा घराना क्या था, खुदावन तूने मुझे चुन लिया, तेरे दिए हुए में से मैं तुझे लौटा रहा हूं। मैं क्या था, मैं तो एक चरवाहा था, मेरी कोई हैसियत ना थी। जब सैमुअल ने उसके भाइयों को मसा करना था, जब डेविड को मसा करने के लिए गया तो वो कद को देख रहा था, खूबसूरत सुर्ख रंग देखता था, शायद ये हो, लेकिन खुदा का रूह उसे बताता रहा नहीं ये नहीं। और खुदा ने कहा, उसने पूछा कि कोई और बेटा है, उसने कहा हाँ एक है, कहता जल्दी से उसे बुलाओ। सैमुअल खड़ा रहा उस वक्त तक जब तक दाऊद ना आया, और खुदा के रूह ने उसे बता दिया कि यही वो शख्स है, और उसने मस्सा किया। एक आम चरवाहे को खुदावन ने लिया और मस्सा कर दिया। दोस्तों आज लोग ह्यूमन स्टैंडर्ड से किसी की खिदमत को, आपको मुझे हर एक को नाप सकते हैं। जब हम रेज्यूमे डालते हैं शायद हमारी एजुकेशन उतनी ताकतवर ना हो, लेकिन अगर खुदावन्द आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ है। आपके साथ किंग ऑफ किंग लॉर्ड ऑफ लॉर्ड है, आपके साथ यहोवा यनी है, आपके साथ यहोवा मनस्सी है, आपके साथ एल शडाई है जो ऑलमाइटी गॉड है, और जो आपकी जिंदगी में मौजज़ों को क्रिएट कर सकता है। आप उसे दावत तो दें, आप ह्यूमन स्टैंडर्ड को ना देखें। कई दफा हम अपने गुनाहों को देखते हैं, खुदावंद नहीं मैं इस काबिल नहीं कि तेरे पास आऊं, लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों को ही चुन लेता है, वो ऐसे लोगों से प्यार करता है जो अपने आप को नीचा देखते हैं, जो अपने आप को खादम बनाते हैं, जो अपने आप को आखिर समझते हैं, खुदावंद उन्हीं को अव्वल बना देता है। खुदावंद का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है। इसलिए मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में इफिसियों तीसरा बाब उसकी 7-10 आयत में लिखा है, और खुदा के उस फजल की बख्शिश जो उसकी कुदरत की तासीर मुझ पर हुआ और मैं खुशखबरी का खादम बना। पॉल क्या कहता है अपने लिए, कहता है खुदा के उस फजल की बख्शिश, ये मुझ पर और आप पर खुदा का फजल हुआ कि मैं और आप खुदा के नाम से कहलाते हैं, जिंदा है, बाइबल को समझते हैं, यीशु मसीह के कलाम की को समझते हैं और उसके नाम से कहलाते हैं। पॉल कहता है ये उसकी फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ और मैं उस खुशखबरी का खादम बना। और आगे चल के ये देखिए, पढ़िए, लिखा है मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं। वो ये नहीं कहता, आजकल खादम जब बैठते हैं या अपनी कॉन्ग्रीगेशन में बैठते हैं तो वह दूसरे खादम को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लोग जब बैठते हैं अपने बहन भाइयों को अपने एजुकेशन से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा के खादम जिनकी जिंदगी में पाक रूह का काम होता है, कलाम मुकद्दस में क्या कहता है, मुझ पर जो सब मुकद्दसों में छोटे से छोटा हूं, हम नीचे हो जाते हैं। खुदा के लोग हम्बल लोग हैं और वो बरकत पाते हैं। आइए हम भी खुदा के हुजूर झुके। ये
मैनेजर ने मुझे, प्रीवियस मैनेजर ने मुझे कहा कि मेरे पास एक कैजुअल पोजीशन है, आर यू इंटरेस्टेड? तो मैंने कहा व्हाई नॉट, क्योंकि उन दिनों में मैं एजेंसी के थ्रू काम करती, तीन एजेंसियों ने मुझे उस दिन रिजेक्ट किया कि नहीं काम नहीं है, लेकिन एक ने कहा कि नहीं तू जा वहाँ पे। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ क्योंकि खुदावंद का प्लान था, मैंने हर दफ़ा खुदावंद का शुक्र किया। कैंसर हो गई, मैंने कहा खुदावंद तू शायद कुछ और करना चाहता है, और इसी तरीके से खुदावंद ने मुझे वहाँ पे एज ए कैजुअल जॉब दिया। मैं फिर कहूँगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं किसी बात पर भी अपनी बड़ाई कर सकूँ, सारी इज्जत सारा जलाल मैं उसको देती हूँ। कि लास्ट वीक जब हमने थैंक्स गिविंग के बारे में यहाँ लेके गए, और मैं जब जाती हूँ तो मैं उस मैसेज को ज़रूर रिपीट करती हूँ, तो पिछले सैटरडे मैं जब ड्यूटी पे गई तो मैंने अपनी ईमेल चेक की, तो वहाँ दिया हुआ था कि पार्ट टाइम की वैकेंसीज है, अगर कोई, हम लोग चार लोग थे तो हम चारों का नाम दिया हुआ था। मैंने वहाँ अप्लाई किया और मेरे कोवर्कर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे इनक्रेज किया कि नहीं नसरीन, तेरी ये पोजिशन तेरी है, तू अप्लाई कर। मैंने कहा अच्छा, मैंने अप्लाई किया और मेरे कोवर्कर ने बहुत मेरा साथ दिया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे रेज़्यूमे बनाया, जबकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। जो मेरा वीक पॉइंट है वो मैं बताना चाहती हूँ कि खुदावंद जब बरकत देता है तो वो हमारी वीकनेस को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देता है। तो मेरी वहाँ से हॉस्पिटल से कॉल आई कि तेरी मैनेजर तुझसे बात करना चाहती है। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो कहा कि नसरीन, मैंने वो जॉब मैंने तुझे दे दी, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। और उसने कहा तूने अपने मुंह को अभी साइलेंट रखना है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे बाकी लोगों का इंटरव्यू करना है। और उसने मुझे इस प्रोसेस पे से गुजरने नहीं दिया, क्योंकि वो काम करता है जो किसी ना नाम आँखों ने देखी अपना कानों ने सुनी, वो हमारी मुश्किलात को ऐसे हमारे आगे आगे चलता है। इसलिए जब हम गाते हैं कि यीशु को मेरे आगे आगे चल, तो वो हमारे आगे आगे चल के हमारे रास्तों को हमवार कर देता है। मैं उसको जितना भी उसका शुक्र करूँ उतना ही करूँ।